कानु राहो ओपचे कामन से राहो जय संतोषी माता बड़े बेटा का दादा ये हमारी गाय से इनके प्यारी जीवम काम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हेलो फ्रेंड टीवी पर आज हम अपने चैनल पर एक नया ट्रैवल सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम भारत और दुनिया की अलग अलग जगह पर जाएंगे और आपके सामने कुछ रहस्यमय बातें लेके आएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम बात कर रहे हैं निधिवन टेम्पल की जो वृंदावन में है जो मथुरा डिस्ट्रिक्स में आता है उत्तर प्रदेश स्टेट के और ये वो जगह है जहाँ पे हमारे जो लॉर्ड कृष्णा जी हैं उन्होंने अपना बचपन गुजारा था और इसको बाके बिहारी टेंपल भी बोला जाता है लेकिन इस टेंपल के साथ दो बड़ी मिस्ट्री रहस्यमय बातें जुड़ी हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको कृष्णा के बारे में बताना चाहूँगा श्री कृष्णा आठवें अवतार हैं लॉर्ड विष्णु के और वो आठवें सुपुत्र थे देवकी और वासुदेव के निधिवन टेम्पल एक बहुत ही अच्छा टेम्पल है बाके बिहारी जी का वृंदावन में इस टेम्पल के चारों तरफ पेड़ हैं और ये पूरे एक जंगल से घिरा हुआ है इस टेम्पल का नाम लिया गया है निधि का मतलब होता है ट्रेजर जिसका हिंदी में मतलब होता है एक तरह से खजाना और वन का मतलब होता है फॉरेस्ट जंगल तो ये टैंपल चारों तरफ ग्रीन ग्रीन पेड़ों से घिरा हुआ है और जो सबसे रोचक बात है वो ये है ये सभी पेड़ अंदर से बिल्कुल खोखले हैं फिर भी इनके पत्ते बिल्कुल ग्रीन हैं और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ की मिट्टी है वो बहुत ही ड्राई है लेकिन फिर भी साल के बारह महीने ये पेड़ बिल्कुल ग्रीन रहते हैं यहाँ पे कोई पतझड़ नहीं होता है बारह के बारह महीने ये पेड़ बिल्कुल ग्रीन रहते हैं और ये भी माना जाता है कि ये पेड़ पेड़ नहीं है ये हैं कृष्णा जी की गोपीज़ और ये रात को श्री कृष्णा जी और राधा रानी के साथ महारास लीला भी करते हैं इसीलिए इस टेम्पल में शाम होने के बाद सभी की एंट्रीज बंद हो जाती है और इसके गेट और विंडोज़ को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी कृष्णा जी की महारास लीला ना देख पाए इस एरिए के अंदर एक छोटा सा कुआ भी है माना जाता है कि एक टाइम पर जब कृष्णा जी महारासलीला कर रहे थे राधा रानी को प्यास लगी थी तो कृष्णा जी ने अपनी फ्लूट से वो कुआ बना दिया था राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं वृंदावन में जो लोकल लोग रहते हैं उनको भी घुंगरूस की आवाज़ सुनाई दी गई है रात को जब कृष्णा जी महारास वहाँ पर करते हैं इसीलिए कोई भी इंसान वहाँ पर शाम होने के बाद एंट्री अलाउड नहीं है वहाँ के जो पंडित भी हैं वो भी वहाँ पर लॉक लगा के चले जाते हैं ताकि कृष्णा जी और राधा रानी जी अपने वहाँ पर रासलीला कर सके कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पे लोगों की एंट्री क्यों बंद है शाम की पूजा के टाइम जो लोग वहाँ पर दर्शन करने आते हैं जो वहाँ के पंडित होते हैं वो वहाँ पर कृष्णा जी को साड़ी लड्डू बेंगल्स पान के पत्ते कलश ऐसी चीज़ें चढ़ाते हैं और फिर टेम्पल को बंद कर दिया जाता है और जब सुबह टेम्पल के गेट खोले जाते हैं तो जो वहाँ पर रात को भेंट चढ़ाई जाती है कृष्णा जी को वो जैसे वहाँ पे कोई मिठाई हो मिठाई कृष्णा जी आदि खाय मिलते हैं या फिर जो पान के पत्ते हैं वो कृष्णा जी चू करे मिलते हैं तो ये माना जाता है कि रात को कृष्णा जी जब रासलीला करने के बाद खाना खाते हैं और आराम करते हैं तो जो भी यहाँ पर भेंट चढ़ी होती है कृष्णा वो भेंट को स्वीकार करता है और उसको खा लेते हैं और आराम करते हैं रात को और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई ये महारास लीला देख ले वो इतनी खूबसूरती देख लेता है कि उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वो इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं आज भी जो बाल कृष्णा जी थे उनके पैरों के निशान पाए जाते हैं उस जंगल में तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं अगर आप वृंदावन गए हैं और आपने निधिवन देखा है तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या सच में शाम को कृष्णा जी आते हैं और रासलीला करते हैं या फिर ये एक हॉक्स है जो वहाँ के पंडित लोगों ने बना रखा है पैसे कमाने के लिए आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक like कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल हेलो फ्रेंड टीवी को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू